मंदसौर शहर में आए दिन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। आज फिर एक मामला देखने को मिला है। महोनी मज रोड स्थित काबरा पेट्रोल पंप के समीप झाड़ियों में एक कुत्ता मृत अवस्था में मिला, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारकर आधा हिस्सा जला दिया गया है। समाज सेवी ओम बड़ोदिया द्वारा यह बताया गया कि घटना बीती रात की है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारकर जिंदा जला दिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं मंदसौर शहर में बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा नगर पालिका और मृत पशु वाहन को सूचित किया गया, उसके बाद मृत कुत्ते को पीएम के लिए भेजा गया। ऐसे जघन्य कृत्य से ऐसा लग रहा है कि लोगों में जानवरों के प्रति प्रेम भावना खत्म हो रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि बेजुबान जानवरों की जान बचाई जा सके। जी, अभी मऊ नीमच रोड काबरा पेट्रोल पंप के सामने कल रात की घटना है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारा गया, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया है। अभी उसकी स्थिति देखी है मैंने, स्वयं पूरा आधा हिस्सा जला हुआ है, पूरा मुंह पूरा जल के खाक हो गया है। आए दिन की घटना है मंदसौर शहर में, इस तरीके से बेजुबान जानवरों के साथ में घटना घट रही है। शासन प्रशासन भी सो रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो इस ओर हम जैसे पशु प्रेमियों का मन बहुत दुखता है कि यार आए दिन अपने मंदसौर शहर का नाम पशु कुर्ता में नंबर वन पे आ रहा है, और वहीं हमारी मंदसौर शहर को एक और नाम से जाना जा रहा है कि यार मंदसौर शहर तो यार आपके यहाँ पे बहुत जानवरों को अत्याचार हो रहा है, जानवरों को यार आए दिन कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती है, तो कोई अंकुश क्यों नहीं लगता उसके ऊपर। कुछ दिन पूर्व भी नरसिंहपुरा में दो कुत्ता गले काट दिए गए थे। हाँ, नरसिंहपुरा में भी दो कुत्तों को बेरहमी पूर्वक चाकू से वार करके, सलिए से वार करके उनको मार दिया गया था, उसमें भी कोई निराकरण नहीं निकला है। और अभी भी यही, अभी इस कुत्ते की भी जानकारी मैंने अभी दी है शासन को, और नगर पालिका को भी बताया गया है, और पशु विभाग को भी बताया गया, उसको कुत्ते को पीएम के लिए ले जाया जा रहा है। और उसके बाद ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं हो रही है? कहीं ना कहीं ये लोगों में एक जानवरों के प्रति प्रेम भावना नहीं रही है, और जानवरों से दुश्मनी निकालना ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो तो मेरा नंबर लीजिए, मैं पूरे मंदसौर शहर में निस्वार्थ भाव से 10 वर्षों से सेवा कार्य कर रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत समस्या लगे तो मेरा नंबर लीजिए, मुझे इन्फॉर्म करिए, पर ऐसे इन बेजुबान जीवों को मारने से इसका हल नहीं निकलेगा। ओम बड़ोदिया। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।